बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बाइनरी अरिथमेटिक में बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम जो है दो बाइनरी नंबर्स या दो से ज़्यादा बाइनरी नंबर्स लेंगे और उसकी जो आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम इंशाल्लाह एग्जांपल से सीखेंगे। यहाँ पे हम दो तीन एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर कि कैसे जो है दो बाइनरी नंबर्स या दो से ज़्यादा बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो बिफोर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कुछ रूल्स है मल्टीप्लिकेशन के लिए जिसको हम फॉलो करेंगे। सो रूल्स, बेसिक रूल्स फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस। नंबर फर्स्ट, अगर दोनों नंबर हमारे पास क्या है, ज़ीरो, जिस तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो क्या आ जाएगा, रिजल्ट ज़ीरो आएगा। अगर जो है एक नंबर ज़ीरो है और दूसरा वन है तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई वन, अगेन रिजल्ट ज़ीरो आएगा। थर्ड रूल इज़ इफ़ वन मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो, अगेन ज़ीरो। एंड द लास्ट वन इज़ इफ़ वन मल्टीप्लाइड बाई वन, इट्स रिजल्ट इज़ आल्सो इक्वल टू वन। तो ये चार रूल्स हैं, फोर रूल्स, जिसको आपने याद रखनी होगी जब कभी भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाइनरी की। हम इसके ऊपर एग्जांपल्स करते हैं और सीखते हैं हाउ वी मल्टीप्लाई टू आर मोर देन टू बाइनरी नंबर्स। लेट, यह हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स है, 101 मल्टीप्लाइड बाई 11। इसको हम जो ये मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इसका हमने रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 101 मल्टीप्लाइड बाई 11। आम मेथड है जिस तरह डिसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हम मैथमेटिक्स में, वही रूल्स जो है हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले जो हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे आ जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, इससे आ जाएगा रिजल्ट 0, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 से आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 1। फिर यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इसमें हम ज़ीरो लगा लेते हैं इस केस की, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप स्पेस छोड़ दें, ठीक है। अगेन फिर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 से रिजल्ट आ जाएगा 1, अगेन 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो है इन दोनों को हमने ऐड करना होगा। सो अगर हम देखें 1 प्लस 0 से क्या आ जाएगा, रिजल्ट 1 आएगा। 0 प्लस 1 से रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। 1 प्लस 0 से रिजल्ट क्या जाएगा, 1, और यहाँ पे भी रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, 1। सो दिस वन इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। जब हमने दो बाइनरी नंबर्स को जो कि एक 101 था और दूसरा हमारे पास 11 है, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, सो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 41। सो यहाँ पे अगर हम रिजल्ट लिखें, दिस वन इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। जब हमने दो बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, सो दिस इज द रिजल्ट। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या वाकई जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है ये हमारे पास आंसर इसका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो फर्स्ट हम चेक करते हैं 101। अगर 101 को हम देखें बाइनरी में तो ये जो है डिसिमल में किस चीज़ के बराबर है, जब हमारे पास टेबल मौजूद है इसके ज़रिए हम जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 101 है तो यहाँ पर आ जाएगा 101। अब अगर हम देखें एक नंबर है हमारे पास, ये जो 1 हो गया 4 है, और यहाँ भी जो 1 हो गया ये 1, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो 4 प्लस 1 से क्या आएगा हमारे पास 5। मतलब कि 101 किस चीज़ के बराबर है, डिसिमल में 5 के बराबर है। 11 जो ये बाइनरी में किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर मैं 11 लिख लेता हूँ, 2 प्लस 1 ये बराबर है 3 के। सो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3। नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 रिजल्ट इज 15। हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 15। अब देखें ये रिजल्ट आया है, अब चेक करते हैं क्या वाकई ये 41 जो है ये 15 के बराबर है या नहीं है। अब देखें हमारे पास रिजल्ट जो है 15 आया हुआ है। अब इसका हम इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर चेक करते हैं। सो 15 जो है ये तो 16 है, अगर इस टर्म को देखें ये जो हमारे पास टर्म आया हुआ, दिस इज 16 इज ग्रेटर देन 15। अब देखो यहाँ पे 8, तो 8 प्लस 4 12, प्लस 2 14, एंड प्लस 1 15। सो अब अगर हम देखें यहाँ पे फिर 8 के नीचे 1, 4 के नीचे भी 1, 2 के नीचे भी 1, एंड 1 के नीचे भी 1। सो 8 प्लस 4 12, प्लस 2 14, एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 15।
मतलब ये हुआ है कि हमारे पास जो रिजल्ट आया हुआ है 4-1 जो है 1-1-1 and 1 दिस इज इक्वल टू 15. सो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिजल्ट आया हुआ है दिस इज द करेक्ट, दिस रिजल्ट इज अ करेक्ट. अब इसके ऊपर जो है एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं. लेट एग्जाम्पल नंबर 2, कोई से दो नंबर्स उठाते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे एग्जाम्पल परफॉर्म करते हैं. क्वेश्चन है 110 बाइनरी में है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 101 जो कि बाइनरी में है. ये दोनों नंबर्स हमने मल्टीप्लाई करनी है और इसका रिजल्ट हमने चेक करना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा. नाउ सॉल्यूशन, सबसे पहले जो है हम राइट से स्टार्ट लेते हैं और लेफ्ट की तरफ जाएंगे. 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1 × 0 0 आएगा, 1 × 1 1 आएगा, 1 × 1 1 आएगा. ठीक है, अब सेकंड टर्म की तरफ आते हैं. 0 0 के साथ हमने सबको मल्टीप्लाई करना होगा. अब आपकी मर्जी, यहाँ पे स्पेस छोड़ते हो या 0 लिखते हो, एज यू विश. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं. एक स्पेस में यहाँ पे छोड़ रहा हूँ. 0 × 0 0 0 × 1 0 and 0 × 1 = 0. इसके बाद फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे अब हमने 2 स्पेसेस छोड़ने होंगे और यहाँ से हमने स्टार्ट लेनी है. अब 1 को मल्टीप्लाई कर लो. सो 1 × 0 1 × 0 = 0 1 × 1 = 1 and 1 × 1 = 1. अब हमने क्या करना होगा, इन सबको ऐड करने, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लीकेशन के केस में हम जो क्या करते हैं, एडिशन करते हैं. नाउ ये 0 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 0 से आ जाएगा 1, 1 + 0 0 से आ जाएगा 1, 0 + 1 से आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया 10110 बाइनरी में और 101 को बाइनरी में. जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. अब अगेन हम अपने रिजल्ट की वेरिफिकेशन करते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया हुआ है इज इट करेक्ट आर नॉट. सो अगर हम देखें 110 तो यहाँ पे इस टेबल से चेक करते हैं कि हमारे पास ये 110 किस चीज़ के बराबर है, 110. सो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0. अब इन दोनों को चेक करते हैं. 4 + 2 = 6 यहाँ पे हमारे पास आ गया 6. सेकेंड पॉइंट क्या है, 101. सो 101 अब इसको अगर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे तो 4 के लिए 1 है और 1 के लिए 1, तो 4 + 1 = 5. तो हमने 6 और 5 को मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे. दिस इज इक्वल टू 6 एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 5. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 5 से क्या आएगा, 30. अब हमने चेक करना है कि 30 का जो इक्विवेलेंट है वो किस चीज़ के बराबर है. सो यहाँ पे हम 30 के लिए फाइंड आउट करते हैं. अब वो कौन से नंबर्स है जिसको ऐड करते हुए हमारे पास 30 आ रही है. तो अगर हम देखें 16 + 8 इससे क्या आता है 24, + 4 इससे क्या आएगा 28 एंड + 2 इसे क्या आ जाता है 30. तो जो नंबर, जिन नंबर्स को ऐड करते हुए हमारे पास 30 आ रही है उन तमाम को आपने क्या करना होगा, 1 करना होगा. बाकी जो नंबर्स है जो रह चुके हैं उसके आप क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमारे पास 16 इसकी जगह 1, 8 यहाँ पे भी 1, 4 यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा और ये 0. सो अगर इस नंबर को हम देखें, ये 4-1 है और एक 0 है. अगर हम अपना रिजल्ट चेक कर लें तो यहाँ पे 4-1 और एक 0. इसका मतलब है कि जो हमने एग्जाम्पल किया हुआ है, जो हमने एग्जाम्पल किया हुआ है तो वो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है. सो इस तरीके से आप कोई भी नंबर, कितने भी नंबर हो, ख्वाब वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी नंबर्स हों उन तमाम को जो है आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए, जो 4 रूल्स हैं हमारे पास इनको फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसके ऊपर, जिसमें हमारे पास एडिशन वगैरह आ रही हो तो वो करते हैं फिर जो है. अच्छा एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास 2 डिजिट बाइनरी नंबर्स है,
111 और 101, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट देते हैं, तो 1 1s are 1 आ जाएगा, 1 1s are 1 आ जाएगा, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 से क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, इसके बाद जब हम सेकेंड की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देंगे। अब जो है नेक्स्ट वन की तरफ जाते हैं, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 आएगा, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 आएगा। अब थर्ड वन की तरफ आते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, सो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे दो स्पेसेस आप छोड़ोगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब देखें इसको हम ऐड करते हैं आप, तो ये जो नंबर है ये तो डायरेक्ट आ जाएगा नीचे, सो ये जस्ट 1 1 प्लस 0 से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। अब अगर हम देखें यहाँ पे 1 है और 1, तो 1 प्लस 1 जिस तरह हमने एडिशन के केस में पढ़ा था कि जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं और इसका रिजल्ट 1 से ज़्यादा हो जाए तो उसको आपने इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होगा। सो 1 प्लस 1 जो है वो 2 के बराबर आता है, और अगर हम 2 को चेक कर लें तो 2 जो है बाइनरी में किस चीज़ के बराबर है, 1 0। या अगर आप इस टेबल से भी चेक करना चाहते हैं, ये भी अगर हम देखें 2 को हम चेक करें कि 2 किस चीज़ के बराबर है, तो 2 हमारे पास ये नंबर आता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। सो 1 0 इज इक्वल टू 2। अब देखें 1 प्लस 1 से आता है 2, तो 2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0। तो 1 0 की जगह हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 0 को यहाँ पे लिख लेंगे, और 1 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी। 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अगेन 1 प्लस 1 फिर से 2 आ रहा है, फिर जो है वो 2 किस चीज़ के बराबर है, 1 0 के बराबर है। सो यहाँ पे हमारे पास 0 हम लिख लेंगे और 1 को क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे। ठीक है, अगेन 1 और 1 दोनों जब हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2 आता है, तो इससे अगेन हम क्या कर लेंगे, 0 आ जाएगा और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 2 इज इक्वल टू 1 0। अब ये जो है चूंकि यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है, तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो 1 0 0 1 1 दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर हम रिजल्ट को देखें, तो जब हमने दो नंबर्स को, एक 1 1 1 है और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1 0 1 से, हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 0 0 1 1। अब जनाब हम चेक करना चाहते हैं क्या वाकई हमारा जो रिजल्ट आए दिस इज करेक्ट आर नॉट, फिर से जो हम क्या करते हैं इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें 1 1 1 कि 1 1 1 किस चीज़ के बराबर है, सो इससे चेक करते हैं कि 1 1 1 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है। सो यहाँ पे 1 1 और 1, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 1 1 1 हमारे पास 7 के बराबर आ गया, ये आ गया हमारे पास 7। इसके बाद चेक करते हैं 1 0 1, सो 1 0 1 ये 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया हमारे पास 5। तो 1 0 1 जो है हमारे पास आ गया 5। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करने, तो 7 4 5 are 35, हमारे पास रिजल्ट आ गया 35। अब हम चेक करें क्या 35 जो है इसका इक्विवेलेंट जो है ये हमारे पास 1 0 0 1 1 के बराबर आते कि नहीं आता। सो यहाँ पे इस टेबल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये 35 का बाइनरी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये 2 पावर 16 है, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो इससे हम मैक्सिमम जो 16 तक का जो नंबर वो फाइंड आउट कर सकते। अब अगर हम देखें यहाँ पे वो 35 है तो वो ग्रेटर हो गया, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और कालम भी बढ़ा लेते हैं, एक कालम और बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा कालम हो जाएगा 2 पावर 5 और 2 पावर 5 किस चीज़ के बराबर है, 32। 2 पावर 5 किस चीज़ के बराबर है, 32। अब हम देखते हैं कि कौन से दो नंबर से या कौन से नंबर से जिसको ऐड करते हुए हमारे पास 35 आ सकता है, क्योंकि अब हम 35 का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 35 किस चीज़ के बराबर आ रहा है। सो इस टेबल में ऐसे कौन से नंबर्स है जिसको मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास क्या आ सकता है, 35 आ सकता है। तो अगर हम इसको देखें तो एक तो ये 32, अब 32 के साथ हम क्या ऐड कर लें ताकि 35 आ जाए, तो 32 के साथ अगर हम 2 को ऐड कर लें तो आ जाएगा 34, और उसके साथ 1 को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 35।
तो जिन नंबर्स को ऐड करते हुए हमारे पास 35 आया है, उसके नीचे आप 1 लगा लें, बाकी तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, जीरोस। सो यहाँ पे हम लगा लेते हैं ये 2 पावर 5, 32, इसके नीचे हमारे पास 1, इसके नीचे हमारे पास 0, यहाँ पे हमारे पास 0, इसके नीचे भी 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमारे पास क्या गया 1। सो अगर ये नंबर हम चेक कर लें, ये नंबर अगर हम चेक कर लें 1000011, तो ये किस चीज़ के बराबर आ रहा है, 35 का। और अगर हम यहाँ पे अपना रिजल्ट भी चेक कर लें तो वो भी किस चीज़ के बराबर आ रहा है, 1000011, जो कि इक्विवेलेंट जो है वो 35 के बराबर। सो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को, कितने भी हमारे पास यहाँ पे, चूंकि हम दो दो के कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल जो है नंबर्स का भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इन रूल्स का आपने ख्याल रखना होगा, और यहाँ पे जब आप एडिशन करते हैं तो वो एडिशन के रूल्स आपने यहाँ पे क्या करने होंगे, अप्लाई करने होंगे। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।